अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक शेख साइंस चैनल। वी आर अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कैनवा कोर्स हमारा जारी है और इंशाल्लाह मुकम्मल आपको बताऊंगा कैनवा सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनविटेशन कार्ड कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो ये जी हमने कैनवा को ओपन कर लेना। ये जी कैनवा ओपन होते ही हमने इनविटेशन कार्ड वाली ऑप्शन की तरफ जाना। ये जी ऑप्शन आ गई जी। तो ये जी हम ओपन कर लिया जी इनविटेशन कार्ड को। तो यहाँ पे आपको साइड पे बहुत से आपको यानी कि टेम्पलेट्स नज़र आ रहे होंगे, तो कोई सा भी इसमें से चूज़ करके हम उसको अपने हिसाब से चेंज करके तो बना सकते हैं। तो ये जी अगर हम क्रिसमस पे बनाना चाहते हैं क्रिसमस पे बना लें, बर्थडे पे बनाना चाहते हैं बर्थडे, वैसे कोई इन्विटेशन बनाना चाहते हैं वो बना लें, वेडिंग पे बनाना चाहते हैं वो बना लें, तो हम भी बर्थडे पे ट्राई करें। तो ये जी हम यहाँ से कोई भी इन्विटेशन कार्ड का टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, बर्थडे वाला हमने सेलेक्ट किया है, फिर हम इसको ऐड करेंगे। इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको तरीका सारा पता है। इसको आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, मसलन मैं यहाँ पे शेख रखना चाहता हूँ। तो यहाँ जी मैं अपना नाम लिखूँगा शेख आहत। जी मैंने अपना नाम लिख लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है शेख आहस अहमद बर्ड। तो इसी तरह और भी आप चेंजेस भी, तो ये ऊपर लिखा हुआ है ज्वाइन अस टू सेलिब्रेट। तो इसका अगर हम फॉन्ट बड़ा करना चाहें तो ये बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए आप तो बड़ा हो गया। यहाँ पे अगर हम लोकेशन डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें। तो यहाँ से अपलोड से नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट, इसको ये दबाएंगे तो ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स कर दें। यहाँ से हम लोकेशन डाल सकते हैं, जैसा कि मैं डालता हूँ जी ऐड शाही किला। इसको थोड़ा बोल्ड करते हैं, फिर आपको मेरा सही नज़र आएगा। जी लैंग्वेज को ही से सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ढेरों कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही। थैंक यू।